वेलकम बैक वंस अगेन। आप देख रहे हैं जागो दुनिया और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट पहले एक थी तो अब दो गुना ज्यादा होगी क्योंकि दो दो गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। दो दो गेस्ट मौजूद हैं, बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले जी आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा हमारी बहुत ही जबरदस्त आर्टिस्ट, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सीनियर आर्टिस्ट हैं बट फन के लिहाज से यकीनन वो सीनियर आर्टिस्ट हैं। बहुत से प्लेज लातादाद उन्होंने किए, मूवीज भी उन्होंने की पाकिस्तानी मूवीज, और अब पॉलिटिक्स की तरफ उनका रुझान बढ़ गया और वो पीएमएल नवाज की जॉइंट सेक्रेटरी हैं पंजाब विमेन विंग की। हाँ साथ मौजूद हैं द फेमस कमल। अस्सलाम वालेकुम एंड द वन एंड ओनली कमल। इससे पहले कि आपकी दूसरे गेस्ट से मुलाकात करें, एक छोटा सा पैकेज देखते हैं कमल के हवाले से और फिर वापस आते हैं। अदाकारा कमल पाकिस्तानी ड्रामे में अपने मुनफरद स्टाइल, पुरकशिश शख्सियत और मुतासिर कुन एक्टिंग की वजह से जानी जाती हैं। आपने ड्रामा, फिल्म और थिएटर में कई यादगार किरदार अदा किए। कौन शबाना? हैरत है, बाप बेटियों के नाम इतनी जल्दी भूल जाते हैं। अदाकारा कमल को उनके अछूते किरदारों की वजह से निगार, पीटीवी, बोलान और ग्रेजुएट अवार्ड समेत कई काबिल-ए-ज़िक्र एजाजात से नवाजा गया। एक अंदाजे के मुताबिक आपने अब तक 200 से ज़ायद ड्रामों, 400 से ज़ायद थिएटर शोज और 7 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। क्यों क्यों झूठ बोलते हैं मुझसे? क्यों मुझे पागल बनाना चाहते हैं? सच क्यों नहीं बताते? कौन देख रहे हैं ये चूड़ियां? किसने पहनाई है? आजकल आप ड्रीम्स इंटरनेशनल के नाम से अपने प्रोडक्शन हाउस से मुख्तलिफ प्रोग्राम निजी सेक्टर को मुहैया करती हैं। कमल 2007 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जॉइंट सेक्रेटरी पंजाब विमेन विंग हैं और आजकल सियासत में बहुत सरगर्म हैं। आइए मिलते हैं कमल से। ग्लैमरस आर्टिस्ट हाँ, वेरी वेरी, बहुत जबरदस्त पैकेज था जी। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं एक बहुत ही यंग डायनामिक पर्सनालिटी, एक यंग पार्लियामेंटेरियन है और इनका क्रेडिट को ये जाता है कि इतनी यंग एज में पॉलिटिक्स में आए और आते साथ ही मिनिस्टर भी बन गए। ये राज मैंने इनसे जरूर पूछना है। डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम मिनिस्टर हैं जी पंजाब में स्पोर्ट्स कल्चर एंड यूथ अफेयर्स के। डॉक्टर साहब की बातें भी सुनने वाली होती हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। एक छोटा सा पैकेज देखते हैं इनके हवाले से, आप फिर वापस आते हैं। पीपीपी के सूबाई वजीर खेल, सकाफत और अमूर नौजवानान डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं। 2008 के जनरल इलेक्शन में डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम पहली बार पंजाब असेंबली के रुकन बने। इस वक्त डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलायंस पर मुश्तमिल पंजाब हुकूमत में बतौर सूबाई वजीर खेल, सकाफत और अमूर नौजवानान निहायत खुश असलूबी से अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम 2005 में मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी सियालकोट भी रह चुके हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम से। जी पैकेज आपने देख लिया और इतनी सी उम्र में इतने सारे काम किए। अगर मैं ये कहूँ कि इनकी कामयाबी के पीछे इनकी बेगम का हाथ है तो फिर मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। क्यों डॉक्टर साहब? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आते साथ ही इतना डायरेक्ट सवाल। अस्सलाम वालेकुम कमल, क्या हाल है? ठीक ठाक है। कैसे? थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग। सबसे पहले कमल आप कैसे फ्रेश रहती हैं? इतना सारा काम, अब तो पॉलिटिक्स भी ज्वाइन कर लिए, कैसे आप एकदम से टीवी से पॉलिटिक्स के अंदर आए? अच्छा, मैं पता है क्या समझ रहा था कि ये सवाल आपसे नहीं पूछेगी बल्कि इसका जवाब खुद देगी कि ये आपसे भी 10 साल पहले आई शोबिज में और कितनी फ्रेश और यंग लग रही है और आपसे पूछ रही है। कल आप देख लें, मतलब पार्टी अब मेरे साथ ही है। आपके साथ
जी पॉलिटिक्स में कैसे है? पॉलिटिक्स में जाने इस तरह आई कि शोबिज़ में 20-25 साल गुजार लिए, बहुत काम कर लिया, फिर दिल चाहा कि लोगों के बहुत सारे काम करूं, उनके काम आऊं, जितना प्यार लोगों ने मुझे दिया है कोशिश करूं लौटाने की किसी सूरत में, तो इसलिए पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स ज्वाइन की है कि मुझे एक स्ट्रांग प्लेटफॉर्म चाहिए था जिस पर खड़े होके, अगर मैं इंडिविजुअली करती तो मैं बहुत कम लोगों के काम आ सकती थी, लेकिन अगर किसी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रांग हो तो फिर आप बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम कर सकते हैं, इसलिए मैं भी पॉलिटिक्स ज्वाइन की। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए आपके हवाले से, मैं ये सवाल बार बार कर रहा था और मैं इसका राज सब जानना चाहेंगे, माशाल्लाह यू आर सो यंग डायनामिक हैं आप, MBBS डॉक्टर हैं आप, हेल्थ कमेटी में भी रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप पहली दफा 2008 में पार्लियामेंटेरियन बने जी, और आप में ऐसी कौन सी खास जादूगर वाली बात थी कि आपको मिनिस्टर बना दिया गया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने और ये इसका जवाब तो एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो कायदीन ही दे सकते हैं जी, ठीक, चूंकि मेरे कायदीन साहब की इंटरव्यू किए जो पार्लियामेंटेरियन थे, 14 लोग सिलेक्ट किए हुए थे, उनमें से उन्होंने उन्हीं में से कुछ 7 बंदों को उन्होंने मिनिस्टर्स टेकअप करना था पंजाब में, तो उन्होंने पोटेंशियल्स देखा और उन्होंने देखा कि ये आगे कितनी देर तक चल सकता है, और व्हेन ही आस्क्ड मी, तुमने मुझे पूछा कि हेल्थ में कितना का काम किया है, तो मैंने उनको बताया कि मैंने टीचिंग इंस्टीट्यूट से लेके BHU तक हेल्थ में काम किया है। अच्छा, तो ही टुक मी एज ए हेल्थ मिनिस्टर। क्या बात है। तो आई वॉज अनाउंस एज ए हेल्थ मिनिस्टर, तो ड्यू टू कोलिजन पार्टनर इन्होंने कहा जी कि हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो मेरे चीफ मिनिस्टर ने कहा जी कि वो अपने पास रखना चाहते हैं, तो मैं मेरी अगर पार्टी एग्री है तो आई एम एग्री, ठीक, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये कल्चर स्पोर्ट्स से यूथ फिर दे दी। ठीक, जहाँ तक ये क्वेश्चंस का आंसर है कि कैसे टेकअप किया, क्यों टेकअप किया, ये तो वही जानते हैं उन्होंने क्या पोटेंशियल्स देखा और करुणे कुदरत क्या है उनके जहन में, क्या नहीं, बात है, उन्होंने देखा होगा आपकी तो काबिलियत पे बिल्कुल यकीन, किसी को शक नहीं है, ना ही होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि आप तो डॉक्टर थे, आप हेल्थ मिनिस्ट्री तो चलें ठीक थी, स्पोर्ट्स कल्चर और यूथ से मतलब कैसा कैसा वास्ता रहा इसे, क्या एक तो चलें हेल्थ का तो समझ में आता है कि आप डॉक्टर थे, आपने काम भी किया हेल्थ में बड़ा, और यू वुड हैव बीन अ वेरी इफेक्टिव हेल्थ मिनिस्टर आल्सो। मुझे स्पोर्ट्स कल्चर और यूथ की जब मिनिस्ट्री आपको दी गई तो इसमें क्या पोटेंशियल आपको नजर आया? लेकिन जब स्पोर्ट्स कल्चर यूथ फेयर की मिनिस्ट्री देखी, ऑल दो कल्चर वाज ए न्यू चैप्टर फॉर मी, सो स्पोर्ट्स वाज नॉट न्यू चैप्टर फॉर मी, तो मैंने फिर इसको प्रॉपरली स्टडी किया। ओके, फ्रॉम द टाइम इसके ला कब से बने, कौन लोग थे, कौन से लीडिंग लोग थे, लीजेंड लोग कौन से थे, उनके घरों तक गया। मुझे याद है कि आज भी कभी खान साहब से आप पूछ सकते हैं, तो मैंने जिस दिन ओथ लिया मैं रात उनके घर गया कि सर ये न्याय का चैप्टर है, तो आई एम जस्ट लाइक योर किड, सो ब्रीफ मी कि मैंने इसको किस तरह आगे टेकअप करना है। तो अल्लाह का शुक्र है जी, फिर वो स्पोर्ट्स में मैक्सिमम पोटेंशियल्स मैंने दिखाया, और मुझे इस बात पे फख्र है कि जब पाकिस्तान पूरे ने रिफ्यूज कर दिया था इंटरप्रोविंशियल गेम्स करवाने का, तो पंजाब ने कहा था कि हम होस्ट बनेंगे। हाँ मुझे याद है बिल्कुल, और उसमें तमाम पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस की बच्चियाँ, बच्चे और एजकी की बच्चियाँ भी तशरीफ लाई, और हमने बहुत अच्छे गेम्स यहाँ पे करवाए, और उसमें तमाम सूबे आए, और हमने हमेशा अभी भी हमारी जो गेम्स हो रही थी वो कुछ सिक्योरिटी की वजह से हमने पोस्टपोन किया, लेकिन मेरे चीफ मिनिस्टर ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि एज अ सिक्योरिटी क्लियरेंस हमें मिल जाती है तो हम गेम्स शुरू करवा देंगे। आपको खाने पीने का शौक है, मतलब क्या पसंद करते हैं खाने में, खुराक में क्या? Are you a good eater? और भाभी कौन सी अच्छी डिश बनाती हैं? मैं जी आपको बताऊं कि फरूक भाई कोई नेचर में ऐसा है कि आज तक मेरे सामने जो भी खाना आ जाए मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता। अच्छा, रिफ्यूज नहीं करते। चाहे आप फोन करके मेरी मिसेज से पूछ ले इस बात का वो भी ये कहेगी शी वाज अ गुड कुकर, लेकिन जब उसने देखा कि ये तो खाता ही नहीं है, इसको जो मिल जाए खा लेता, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी पकाने की। आप बड़े साबिर हैं और शरीफ हस्बैंड, मुझे लगता है कि जो आप बेगम बनाती होंगी आप खा लेते हैं। अच्छा, कमल का भी मेरे लगता है शी इज डाइट कॉन्शियस आल्सो। हां कमल, आपको खाने में क्या पसंद है? सब कुछ पसंद है, इन्हीं की बात को मैं सेकंड करूंगी कि मैं भी चूज ही नहीं हूँ खाने में। अच्छा। मैंने आज तक घर में कभी ये नहीं कहा कि ये पका लें। अच्छा। जो मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कवल, एक छोटी सी ब्रेक लेनी, आप अनाउंसमेंट कर दें, आए हाय हाय मजा ही आ जाएगा। नहीं, नहीं, आप ही करें, आप ही करें। अच्छा, खुद आपके बहुत बड़े फैन। अच्छा मुझे 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 एक बताएं, मुझे कि लाइंस क्या मैं रखूं ये बता दें जरा। चलिए आप ये बता दें, आप सीनियर एज अ प्रोड्यूसर आप बता दें, प्रोडक्शन हाउस भी आपका, क्या लाइंस होनी चाहिए? अच्छा, सुबह सुबह आप लोगों ने कोई प्लानिंग तो नहीं की? अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, प्लानिंग के बारे में ब्रेक के बाद। राज जो है वो पांच होंगे स्टेडियम की वॉचिंग जागो दुनिया। जागो, 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 जागो।
जागो जागो।